Hello everyone, welcome to all of you on behalf of BTS online lecture. Our today's topic is Hello Alkanes and Hello Arenes. This is first unit of organic chemistry. Okay, then what is Hello Alkanes and what is Hello Arenes? Hello Arenes, Hello Alkanes. Okay, so Hello Alkanes kya hota hai? Hello Alkanes mein Hello and Alkane. ठीक है, कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिसको हम जानेंगे. ये दो वर्ड से मिलके बना है, हेलो एंड एल्केन. ठीक है, तो हेलो जो होता है वो क्या होता है, ग्रुप 17 का एलिमेंट, जिसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स से. ठीक है, और ये क्या क्या होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन. ठीक है, इनकी हम बात करेंगे, एस्टेटिन की हम बात नहीं करेंगे क्योंकि वो बहुत ही रेयर मिलता है. अब एल्केन, एल्केन में क्या होता है, ये टू टाइप्स के होते हैं. कौन कौन से, एलिफैटिक एंड एरोमेटिक. ठीक है, तो एलिफैटिक को हम आगे अगर डिवाइड करेंगे या कैटेगराइज करेंगे तो ये क्या होता है, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड. ठीक है, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड. सैचुरेटेड में क्या होता है, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, और अनसैचुरेटेड में कार्बन कार्बन के बीच क्या होता है, डबल बॉन्ड एंड कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है. ये क्या हो गया, अनसैचुरेटेड. अब इसका जो जनरल फार्मूला होता है वो CnH2n+2, इसका CnH2n और इसका CnH2n-2, ये होता है. अब इसको अगर हम आगे बात करेंगे तो इस सबसे सिंपल जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है वो क्या क्या होता है, मीथेन, C2H6 इथेन. ठीक है, C3H8 प्रोपेन, मतलब ये आगे बढ़ता जाता है. फिर ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, नोन एंड डेकेन. ठीक है, अब और इसको क्या बोलते हैं, एल्केन. ये क्या कहलाता है, एल्कीन, और ये एल्काइन. ठीक है, ये सारे होते हैं. तो ये तो था, और हमको किसके बारे में बात करना है, इसके बारे में, इनको ही हमको क्या करना है, डील करना है. एरोमेटिक की अगर बात की जाए तो एरोमेटिक क्या होता है, एरोमेटिक, एरोमेटिक में सबसे सिंपल एरोमेटिक क्या होता है, बेंजीन रिंग. ठीक है, बेंजीन रिंग ये होता है. इसको अगर हम एक इसका स्ट्रक्चर बनाए जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों हो तो ये कैसा बनेगा, यहाँ पे भी एक कार्बन है, 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 और यहाँ पे भी और यहाँ पे भी. ठीक है, और एक हाइड्रोजन यहाँ पे है, एक हाइड्रोजन ये रहा, एक हाइड्रोजन ये, एक हाइड्रोजन ये, और एक हाइड्रोजन ये सारे क्या हुए, हाइड्रोजन. ठीक है, हम इसको क्या करेंगे, क्योंकि ये जो बॉन्ड होता है ये अल्टरनेट क्या करता रहता है, सर्कुलेट होता रहता है ना, अल्टरनेट सर्कुलेट होता रहता है. अब यहाँ से अगर इस ये हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाता है, ठीक है, ये हाइड्रोजन क्या हुआ, रिप्लेस हो गया, और रिप्लेस हो करके, हाइड्रोजन रिप्लेस हो करके यहाँ पे कोई हैलोजन आके अटैच हो जाता है, तो ये क्या बना, क्या बना, ये क्लोरो बेंजीन. ठीक है स्टूडेंट्स, और उसी तरह से मीथेन, मीथेन से एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाता है. ठीक है, एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो करके अब ये क्या हो गया, CH3, और यहाँ पे क्या अटैच हो गया, Cl. ठीक है, तो ये क्या बन गया, हेलो एल्केन. तो ये तो थी कुछ बेसिक बातें, हमको इन्हीं के बारे में स्टडी करनी थी. ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आते हैं इसका इंट्रोडक्शन पार्ट.
इसको इंट्रोडक्शन पार्ट देखते हैं क्या लिखा हुआ है। द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम इन अ हाइड्रोकार्बन वेदर एलिफेटिक और एरोमेटिक बाय हेलोजन एटम लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ हेलो एल्केन, एल्किल हैलाइड एंड हेलो एरेन। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या है, एक हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन से क्या हुआ, हाइड्रोजन रिप्लेस होकर के यहाँ पे हैलोजन अटैच हो गया, तो क्या बन रहा है यहाँ पे, किसका फॉर्मेशन हो रहा है, हेलो एल्केन का। उसी तरह से एरिन से एक हाइड्रोजन क्या हुआ, रिप्लेस होकर के एक हैलोजन क्या हो रहा है, अटैच हो रहा है, तो यहाँ पे किसका फॉर्मेशन हो रहा है, हेलो एरिन का। हमको हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, हमने क्या लिया यहाँ पे, उस यहाँ पे हमने क्या लिया, मिथेन लिया। ठीक है, मिथेन लिया, मिथेन और यहाँ पे Cl2। ठीक है, Cl2 लिया तो ये क्या बन रहा है, CH3Cl प्लस क्या बनेगा, एक हाइड्रोजन हट गया तो HCl। ठीक है, ये बनता है। उसी तरह यहाँ पे हमने क्या लिया, बेंजीन रिंग लिया, ये है बेंजीन रिंग। ठीक है, बेंजीन रिंग लिया, यहाँ से Cl2। ठीक है, तो ये क्या बनेगा, क्लोरोबेंजीन प्लस HCl। ठीक है, तो ये तो था कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट या बेसिक बातें। आगे हम देखते हैं